So, I hope whatever we have learned till now, you have understand. So, let us today extend more our concepts. So, we will do few word problems of length, and hope you will understand more. Clear? So, before that, let me just revise one time the rules. You remember that in convex lens, there is called optical center. All the measurement are from optical center. Focus 2f, there is radius of curvature f and 2f. Remember, object is the ray parallel to principal axis. Now anything, any measurement, we take it from optical center. And if it is along the direction of incident ray, then we take it a positive. Suppose if image is formed here, it is image, okay? You know the formation of image. अगर image यहाँ form है, तो अब image के लिए किधर जा रहा है? देखो optical center से अब right में जा रहा है. Please दिमाग से खेलना पड़ेगा आपको. Optical center से image के लिए right में जा रहा है. और ये incident ray भी right की तरफ ही जा रहा है. तो एक ग्राफ डायग्राम बन सकता है आपका तरफ से. तो इंसिडेंट रे भी राइट की तरफ जा रहा है और आप भी इमेज के लिए राइट की तरफ जा रहे हैं. सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, वी हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, इंसिडेंट रे उधर जा रहा है राइट साइड, और आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट का तरफ आ रहे हैं. देखिए इधर अपोजिट डायरेक्शन, वी विल टेक इट नेगेटिव. ठीक है, तो ये था कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, so I hope you have understand these rules. We have repeatedly discussed the rule. So let us read the questions one. An object 2 cm tall, height का बात कर रहा है. So given सब हम लोग पहले लिखेगा. Given 2 cm tall means height of the object कितना है? 2 cm. Sine बाद में लेगा. 2 cm tall is placed on the axis of the convex lens. So the lens here is convex. So एक convex lens हम बना सकता है. ठीक है, convex lens just roughly you can make. 2 cm is 2 cm tall is placed on the axis of a convex lens of focal length 5. उस convex lens का focal length है 5 at a distance of 10 cm. एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. क्या चीज है 10 सेंटीमीटर? ऑब्जेक्ट. ये रीड द क्वेश्चन, क्योंकि फुल स्टॉप यहां में बीच में नहीं है, फुल स्टॉप यहां में. देखिए तो फिर से पढ़िए. एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, मींस यहां में ऑब्जेक्ट का बारे में बोल रहा है. ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है बोला. इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, इस एक्सिस को ऊपर में रखा है, जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ में रखा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. उस ऑब्जेक्ट को कितना दूर में रखा है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से ही रखता है, ये बोलने का चीज नहीं था तभी बोल दिया. फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर 10 सेंटीमीटर का दूर में रखा है. सो ये डिस्टेंस कितना है? हम लोग का पता है 5, तो ये 2f कितना होगा? 10. ठीक है, सो आपका ऑब्जेक्ट को कहाँ में रखा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10. 10 मींस 2f में रखा है आगे. नहीं, ऑब्जेक्ट को 2f में रखा है, क्योंकि ये फोकल लेंथ 5 होने से 2f होता है 10, और बोला है ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर में रखा है. u इज 10, तो हमको लगता है ऑब्जेक्ट को 2f में रखा है. 2f में रखने से इमेज 2f में ही होता है. रिमेंबर, इमेज इज एट 2f ओनली, ये नो होता है. और इमेज का नेचर होता है आपका रियल, इनवर्टेड और सेम साइज. ऐसा डायग्राम होता है आपका, एक ही साइज का होता है, साइज सेम होगा दोनों का. 2f में ये खास बात होता है कि 2f में अगर ऑब्जेक्ट रखता है, 2f में ही इमेज होता है. जैसा मिरर में सी में रखने से सी में ही फॉर्म होता है, सेम 2f में रखने से 2f रियल होता है, इनवर्टेड. रियल का पार्टनर ही इनवर्टेड. तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ा पहले बोला ये ऑब्जेक्ट है. किसी किसी अभी भी ये मिस्टेक हो रहा था, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट का इंसिडेंटली उधर जा रहा है, देखिए राइट हैंड साइड, और आप ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के लिए इधर आ रहा है, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होगा, सो ऑब्जेक्ट के लिए इधर आएगा ऑप्टिकल सेंटर से, सो ऑपोजिट डायरेक्शन, आप ऑपोजिट आ रहा है ना, रे जा रहा है उधर और आप आ रहा है इधर लेफ्ट साइड, सो इसलिए नेगेटिव साइन। फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होने से पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होने से नेगेटिव, सो ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर में रखते हैं, सो इट इज पॉजिटिव। ठीक है, क्या क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब वी एंड हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, ये दोनों निकालना है। सो लेंस फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट क्लियर इतना तक, रे डायग्राम तो आ ही गया, देखिए रे डायग्राम नहीं बोल के क्या सकते हम लोग। सो व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, सी क्लियरली। सो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू का वैल्यू कितना, माइनस 10, सो ये माइनस तो आपको देना ही है, फिर इस यू का जगह माइनस 10 देना, देखिए फॉर्मूला ही है ये, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, सो 1 बाय वी इज माइनस का माइनस 1 बाय व्हाट इज यू, माइनस 10, सो आई पुट ए माइनस 10 टू 1 बाय 5, ओके लेट दिस 5, सो अब प्योर मैथ्स, 1 बाय वी माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस इक्वल टू 1 बाय 5 इज इट, सो 1 बाय वी इक्वल टू उधर में कौन है 1 बाय 5 प्लस जाएगा तो उधर में माइनस 1 बाय 10, एम आई क्लियर, सो 1 बाय वी इक्वल टू एलसीएम विल बी 10 टू माइनस 1, सो दिस इंप्लाइज 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय 10, दिस इंप्लाइज वी रिसिप्रोकल करने से कितना होगा सिर्फ 10, इमेज क्या हमें फॉर्म होगा 10 और क्या आया प्लस, प्लस का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे अगर उधर जा रहा है राइट हैंड साइड, ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज जो इस रे राइट हैंड साइड में होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मैंने पहले बोला हम लोग को रे डायग्राम अगर क्लियर है वी विल गेट नो प्रॉब्लम, तो रे उधर जा रहा है, प्लस साइन का मतलब क्या है, इमेज भी उसी डायरेक्शन में होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वी एवरीवन नो द इमेज विल फॉर्म हियर 12, क्योंकि ये 10 में होने से 10 में होगा, क्योंकि एक ऐसा पोजिशन है 12 कि 12 में रखने से इमेज भी काम होगा 12, तो अगर ये 10 है ये भी 10 ही होगा, तो 10 आ गया या नहीं है, और प्लस आएगा मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर नहीं होगा, इमेज इधर नहीं होगा, सॉरी इमेज राइट हैंड साइड में होने वाला, तो राइट हैंड साइड में होता नहीं, सो प्लस का समझ गया, प्लस इमेज में प्लस आ गया मतलब इमेज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, नॉट अपोजिट, अपोजिट से इधर कहीं में होता है, इधर में तो इंसिडेंट रे उधर, आप इधर आ रहे हैं इमेज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इमेज उधर है, मींस इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, आपका इमेज भी उधर ही है, मींस ऑप्टिकल सेंटर से आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से उसी डायरेक्शन, ना सेम डायरेक्शन, उसके पॉजिटिव 10, क्योंकि ये दोनों सेम ही होगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हाइट चाहिए, सो वी हैव दिस फॉर्मूला, रिमेंबर लेंस से फॉर्मूला मैग्निफिकेशन से ला रहा है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, एच आई हमको नहीं पता, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2, वी 10, यू इज माइनस 10, क्लियर, आई थिंक वी कैन कैंसिल दिस टू सिंपली 1, सो एच आई इक्वल टू क्रॉस करने से कितना माइनस 2, सो माइनस 2 होना ही है, क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होना नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, सो इसलिए माइनस, सो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस एंड क्लियर, इमेज इज इन्वर्टेड, 2 आया, देखिए कितना मजा है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है 2, इस पोजीशन में मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है इमेज का वही हाइट होता है 2, तो इमेज भी 2 देखिए, सेव ये प्लस 2 क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में था, माइनस 2 बिकॉज इमेज इज इन्वर्टेड, सो व्हाट इज द नेचर वी हैव गॉट, नेचर हमको पहले से पता था, ये तो जस्ट न्यूमेरिकली करके थे, नेचर इससे क्या पता चलता है, रियल नंबर 2 इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ये माइनस साइन से पता चल गया कि इमेज उल्टा है, रियल तो पता चल गया क्योंकि उधर में होने वाला है, रियल इन्वर्टेड, देन सेम साइज ना 2, तो ये भी 2, सेम साइज एंड कहां में हुआ रहा, इमेज एट 2f में होगा ना, कैसे पता चला 2f में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 2f में होता तो उधर भी 10 सेंटीमीटर कहां होगा, 2f में होगा, सो एट 2f, क्लियर, सो जस्ट यूजिंग दिस properly the rules, पहले साइन ठीक होगा फिर मैथमेटिक्स पार्ट आपका ठीक होगा,
और नेचर रे डायग्राम से आपका हो जाएगा, ठीक है, गुड। ओके स्टूडेंट, नाउ आई हैव अनदर वन न्यू प्रॉब्लम फॉर यू एंड दिस प्रॉब्लम विल हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सब एक ही टाइप का है लेकिन स्लाइड स्लाइड थोड़ा थोड़ा चेंज रखा मैंने हर क्वेश्चन में, जैसे आपको करने में और इजी होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कॉन्वर्जिंग लेंस, तो मैंने पहले से बना दिया कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, प्लेस्ड मीन ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितना दूर में, 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वर्जिंग लेंस, इस लेंस से 4 सेंटीमीटर आगे में रखा है, ठीक है, ये हाइट नहीं है लेकिन कहां में रखा है बोला, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, हाउ मच 4, और ऑब्जेक्ट को देखिए कॉमन सेंस, अभी कहां में रखा है यहां या वो नहीं पता चला क्योंकि इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं दिया, फोकल लेंथ निकालना है, अगर फोकल लेंथ दे देता रहा, देखिए बात क्या बात कर रहा, फोकल लेंथ अगर देता रहा 5, इफ फोकल लेंथ इज 5 तो आपका काम 90% इजी होगा क्योंकि ये 5 है तो ये 2f कितना होगा, देखिए 10, तो ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो कहां में होगा, 5 से कम ही होगा, तो यहां में ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज बिटवीन o एंड f, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन o एंड f इमेज कैसा होता है हमको पता है, लेकिन ये कहानी इतना दूर तक नहीं गई, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ही नहीं दिया, फोकल लेंथ नहीं देने से आपका काम शुरू हो गया। हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया कितना 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, कहीं भी यहां 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 देखिए कॉमन सेंस, इधर रे जाएगा, अभी रे देखिए राइट हैंड साइड जा रहा है और आपका मेजरमेंट शुरू होता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानने के लिए ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड आ रहा है और इंसिडेंट रे जा रहा है राइट हैंड साइड, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमेशा आपको नेगेटिव देना ही ना, यू नो दैट, कहीं भी रखो यहां में रखो यहां में कहीं भी रखो, इंसिडेंट रे उधर जाएगा और आप ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के लिए इधर आ रहा, देखिए अपोजिट डायरेक्शन, सो नेगेटिव, और इमेज v कितना दिया 12 सेंटीमीटर, अब इसमें प्लस देगा ना माइनस देगा कैसे पता चलेगा, उन लोगों ने एक हिंट दे दिया क्या कि ये सबसे बड़ा हिंट, रियल इमेज, रियल इमेज हमेशा क्या होता है इन्वर्टेड, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रख रहा है, आपको नहीं पता कहां में होगा, अगर यहां में रखा इन्वर्टेड इधर में होता रहा, इधर में इन्वर्टेड, इस साइड में इन्वर्टेड नहीं होता, इस साइड में नहीं होता है इन्वर्टेड, इधर होता है, इधर में होता रहा इरेक्ट, इधर में अगर होता रहा इरेक्ट, याद है आपको रे डायग्राम मैंने पहले बोला, रे डायग्राम अगर आपका स्ट्रांग है, देखिए यहां में ऑब्जेक्ट रखा एफ टू एफ, याद है आप लोग को, ये इधर से पार हो जाता रहा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से पार हो जाएगा, तो ये डॉटेड लाइन क्योंकि इधर है, देखिए इधर होता रहा, ठीक है, तो ये वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड होने से उस साइड, तो ये डायग्राम तो कभी नहीं होगा, इमेज इधर कहीं होगा राइट हैंड साइड कहीं होगा, आया ना, क्योंकि यहां में रियल एक हिंट दे दिया, देखिए रियल उधर में होगा, कहीं में होगा सोचिए, यहां में सोचिए, आई डोंट नो उधर में हुआ तो क्या साइन होगा, इसका प्लस साइन होगा, यस, क्योंकि देखिए इंसिडेंट वे कहानी, इंसिडेंट रे जा रहा है राइट हैंड साइड वो उधर ही जाएगा, इमेज के लिए आप ऑप्टिकल सेंटर से किधर जा रहे हैं, ये इमेज आपका सोचिए, ये इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर यू ऑल्सो मूविंग टुवर्ड राइट, बोथ डायरेक्शन आर सेम, दिस वे वी इज पॉजिटिव, हाउ वी हैव गॉट बाय दिस वन टर्म दैट इज रियल, रियल इमेज आर इन्वर्टेड नीचे होगा और रियल इमेज उधर में होगा, सो इंसिडेंट रे इधर आप भी जा रहे हो उधर, सो प्लस है, हमको नहीं पता यहाँ होगा कि नहीं, बस हमको इतना पता चल गया, सो फोकल लेंथ, सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, What was our lens formula? 1 by b minus 1 by u equal to 1 by f. अब खेल इजी हो गया. 1 by b how much? 12 you see how we are doing calculation. Minus 1 by u is minus 4. So you have to give minus 4. 1 by f. ठीक है? f आने से तो काम ही खत्म हो जाएगा. So 1 by 12 minus minus it will become plus. देखिए मैंने एक साइन में कन्वर्ट कर दिया. आप लोग के लिए भी इजी होगा. 1 by f. So LCM will be 12 itself, 3 equal to 1 by F. So how much? 4 by 12 equal to 1 by F. So if you reciprocate it, F kitna hoga? 12 by 4 that is 3.
प्लस थ्री, माइनस को तो आने का नाम निशान नहीं है, प्लस, कॉन्वेक्स लेंस में प्लस आना ही है, अगर माइनस आता रहा काटता रहा फिर से करता रहा, तो बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्वर्जिंग बोल दिया, तो यहाँ में कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया मीन्स चेन के साथ लेना प्लस थ्री। अब व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज वेरी इजी, एम इक्वल टू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, वी बाय यू, हाउ मच इज वी 12, हाउ मच इज यू माइनस फोर, कैलकुलेशन करने से कितना होगा माइनस थ्री, सो मैग्निफिकेशन इज माइनस थ्री। सो माइनस थ्री से मैग्निफिकेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन देता आप लोगों को, तो मैंने पहले बोल रहा माइनस बोल दिया, थ्री से क्या पता चलता है, ग्रेटर देन वन, थ्री इज ग्रेटर देन वन, इमेज इज व्हाट बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट गारंटी, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, देखिए आप लोग याद रखिए, लास्ट में जब रे डायग्राम बनाएगा होगा कि नहीं देखिए, क्योंकि थ्री मीन्स ग्रेटर देन वन, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन वन इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, एंड माइनस मीन्स व्हाट, इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल है तो रियल का इन्वर्टेड नहीं होगा, सो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, बड़ा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। नाउ लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, देखिए अब खेल मजा होगा, ठीक है, एफ को रखा हाँ, हम जस्ट रफली बनाएगा ये डायग्राम, जस्ट यू डोंट ड्रॉ द रफली, यू विल डू बाय प्रॉपर स्केल एंड ऑल दैट, ओ एफ टू एफ एफ एंड एफ टू एफ, फोकल लेंथ निकलने से मैच कितना इजी हो गया, देखिए ये डिस्टेंस जो था फोकल लेंथ कितना है बोलिए थ्री, तो यहां से टू एफ कितना होगा, थ्री का डबल सिक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है फोर, फोर का मतलब क्या थ्री से ज्यादा लेकिन सिक्स से कम, सिक्स का पार तो नहीं होगा, इट इज ग्रेटर देन फोर, क्योंकि यहां से ओ से एफ थ्री था और ओ से टू एफ सिक्स, तो फोर का मतलब F और 2F का बीच में कहीं में ऑब्जेक्ट होगा, यस और नॉट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, क्लियर, और ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F में होने से इमेज क्या होता आपको पता है, गारंटीड, समझा ना, फोकल लेंथ 3, ये 3 होने से 2F 6, U इज 4, 4 में 3 से ज्यादा 6 से कम, तो F एंड 2F, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, उसके बाद अगर आप लोग रे डायग्राम बनाए, रे डायग्राम ऐसा मत लिखना है, 3 6 ऐसा मत लिखना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बोला, पैडल जाएगा एक रे इधर से पार होगा बिटवीन ओ एफ एफ एंड टू एफ में इमेज क्या होता है एवरी वन होता है इमेज इज बियॉन्ड टू एफ इमेज इज बियॉन्ड टू एफ ये देखिए टू एफ बियॉन्ड टू एफ हुआ आप लोग और परफेक्ट होगा क्योंकि हम तो बिना स्केल का बोलो ऑब्जेक्ट देखिए और इमेज का साइज देखिए सीधा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सीधा साइज ऑफ द इमेज इमेज इज बिगर मोनोरम मैंने बड़ा होगा बड़ा हुआ मैग्निफाइड नीचे हुआ इन्वर्टेड माइनस इन्वर्टेड रियल क्योंकि मैंने डॉटेड लाइन यूज नहीं किया कॉन्वेक्स लेंस में राइट हैंड साइड में आने से ऑब्जेक्ट का उस साइड में रहने से आपका रियल होता है सो रियल इन्वर्टेड इन वर्चुअल का होगा जब डॉटेड लाइन यूज करेगा डॉटेड के में नहीं किया मैंने दिस आर द रियल रेज सो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड सो रे डायग्राम आल्सो डन क्लियर लेकिन आप लोग जब रे डायग्राम बनाएगा एक्यूरेट मेजरमेंट ये जितना होगा ये भी सेम रखिए अगर थ्री है तो ये सिक्स पूरा एक्यूरेट होना पड़ेगा ये थ्री लिखा फाइव होने से तब रे डायग्राम परफेक्ट नहीं होगा क्लियर थैंक यू नाउ धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दे रहे हैं ठीक है ये क्वेश्चन अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन यू कैन गारंटीड दैट यू हैव डेवलप्ड फुल कॉन्सेप्ट ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन सो रीड द क्वेश्चन एट फर्स्ट हमें इंफॉर्मेशन को बहुत उन लोगों ने घुमा फिरा के दिया डायरेक्ट नहीं दिया देखिए एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स सो ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर इज यूज टू प्रोड्यूस ए 10 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज 10 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बात बोला देखिए
एक जो लेंस है जिसका गिवन है, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इज यूज टू प्रोड्यूस ए 10 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. 10 टाइम्स मीन्स 10 गुना बड़ा. 10 टाइम्स का पता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स पता है ना, है कि नहीं? सोचिए ये एक हाइट है, ये इसका 2 टाइम्स है मीन्स डबल, ये इसका 3 टाइम्स. सो मैथमेटिकल आपको पता है 2 टाइम्स, 10 टाइम्स तो कितना बड़ा, सोचिए 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का 10 टाइम्स उसने इमेज किया स्क्रीन में. हाउ फार मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम दिस लेंस, वो ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना दूर में रखा है जिससे कि ये टाइप का इमेज फॉर्म होगा. कैसा टाइप का? 10 टाइम्स बड़ा इमेज. तो यहां में लेंस का बारे में कुछ नहीं बोला कि क्या लेंस है. सो ये आपको गेस करना है, लेकिन इसको साइंस में एक्यूरेट गेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंफॉर्मेशन है. ठीक है ना, निकालना क्या, हाउ फार मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. सो ये निकालना यू गारंटेड हो गया ना, लेंस का बात बोला है ना, लेंस नहीं बोला जाए फोकल लेंथ में, आप कंफ्यूज हो गया कि प्लस लेगा ना माइनस. लेकिन इस लाइन को देखिए, फिर से देखिए, इमेज जो है कितना है बोला, 10 टाइम्स इमेज, 10 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इमेज 10 टाइम्स. अब थोड़ा दिमाग को लग खेल खेले, कॉन्केव लेंस जो ये लेंस होता है, कॉन्केव लेंस ये कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज नहीं करता, एग्री करता है कि नहीं? देखिए रे डायग्राम, मैंने पहले बोला रे डायग्राम ऐसा हो जाता था कि डॉटेड ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इमेज देखिए, इमेज छोटा होता है हमेशा, इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. तो यहां में बड़ा, कॉन्केव लेंस में बड़ा का बात कभी नहीं आएगा, बिकॉज कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस स्मॉलर इमेज, ऑलवेज वी कैन गारंटी. तो कॉन्केव लेंस अगर आउट हो गया तो ये किस लेंस का बारे में चल रहा है? इट इज व्हाट लेंस? कॉन्वेक्स लेंस. यस, कॉन्वेक्स लेंस का बारे में बात कर रहे हैं हमें. तो हम लोगों ने भेद खोल दिया. खेल को देखिए, देखिए हम इस मैथ को आपको बहुत टाइप से दिखा सकते हैं, तो अभी हम इसको इजी टेक्निक से दिखाने का ट्राई करेगा. ठीक है, वी विल ट्राई, हम लोग इजी लैंग्वेज से दिखाने के लिए ट्राई करेंगे ताकि आप लोग समझ में आए इजी से. ठीक है, इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, शॉर्टकट होगा लेकिन थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अभी हम ट्राई करेंगे इसको और एक्सप्लेन करने जिससे आप लोग कह दीजिए. सो यू निकालना है लेंस जो कॉन्वेक्स है, हम लोगों ने पता कर ली. तो एफ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है प्लस, ये खुल जाए. ठीक है, अब देखिए जो इमेज है कितना है, द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 10 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो 10 टाइम्स मींस अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज 10 गुना बड़ा, 10 टाइम्स ये इमेज है बड़ा, कितना टाइम्स बोला? 10 टाइम्स बोला. किसका? ऑब्जेक्ट का. ठीक है, कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ये है इतना बड़ा, ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज है कि नहीं, हाइट. सो कैन आई राइट हाइट ऑफ इमेज इज 10 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैथमेटिकली बोल ही दिया उन लोगों ने ना, 10 टाइम्स इमेज का हाइट जो है, 10 टाइम्स जिसका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 10 इंटू एच. जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैथ्स में कि राम एज इज twice his son age. तो हम लोग son age को x ले लेते, तो राम एज का क्या हो जाता है, राम एज को क्या हो जाता है, राम एज ट्वाइस होता है 2x. सो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एच ओ पकड़ता है तो इमेज का हाइट क्या होगा, 10 एच ओ, इमेज हाइट एच आई इक्वल टू 10 एच ओ, हाँ या ना? इमेज हाइट 10 एच ओ. ठीक है, नाउ प्लस ना माइनस, फिर वही बात है, मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन मीन्स इमेज को स्क्रीन में ले रहा है आप लोग, स्क्रीन में लेने वाला इमेज को क्या बोलते हैं, रियल. देखिए कितना सस्पेंस इस मैथ में, इंटरेस्टिंग सस्पेंस है इसे. सो इमेज में आ गया बोल ऑफ एन
ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन, तो स्क्रीन में आने से वो इमेज रियल होगा, बिकॉज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. इन द अर्लियर वीडियोस आई हैव सेड, सो रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो हाइट ऑफ द इमेज में माइनस होगा, गारंटी. एच आई इक्वल टू माइनस टेन एच ओ, क्यों पता चल गया, क्योंकि यही में सस्पेंस. एच आई इक्वल टू टेन एच ओ, क्योंकि टेंस टाइम बोला, उसके बाद आपको साइन भी देना है. ये एच आई का इन्फॉर्मेशन है, एच आई इक्वल टेन एच ओ, दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. टेन एच ओ इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट इमेज. एच आई स्क्रीन में आ गया मीन्स इट इज ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन, दैट इज रियल इमेज, एंड रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड नीचे, तो इसलिए मैंने क्या दे दिया था, माइनस. ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लीटेड, यू हैव टू फाइंड यू. रेडी, सो हाउ, सी, सो इसमें वन बाय वी ये फॉर्मूला से डायरेक्ट होगा, देखे तो वन बाय वी माइनस वन बाय यू, वन बाय एफ नहीं होगा, क्योंकि ना आपके पास वी है ना आपके पास यू है, दो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसा निकाल सकते, सो इट इज नॉट पॉसिबल with this formula directly. So we will use the formula for magnification, m. kya tha magnification ka formula, that is h I by h o, remember. So m equal h I ka jagah mein hum ye likh sakte hain kitna, minus 10 h o by h o, this h o is cancelled, so what is m value, I have got minus 10. Agree? Now also we know m is equal to v by u. Agree करते हैं, तो m का value मैंने पाया minus 10 equal to v का information भी नहीं है, u का information भी नहीं है. So if I cross it, how much I will get? Cross multiplication करने कुछ नहीं, मैंने 1. So v equal to how much I will get? Minus 10 u. Agree? क्या मिला मुझे? v equal to minus 10 u, यही हमको हेल्प करेगा. क्लियर, मैग्निफिकेशन हम इसको एक ही बार में कर सकता था, लेकिन आप लोग कल फर्स्ट टाइम में बोल के इसको हम तोड़ दिया. आप लोग जब एक्सपर्ट होगा इसको डायरेक्ट कर सकेगा, क्योंकि h i by h o is equal to minus h i by h o is equal to v by u था, तो मैंने दो बार में किया, आप लोग एक बार में कर सकेगा. ठीक है, h o कैंसिल करके सिर्फ माइनस 10 मैग्निफिकेशन, और ये लाइन भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि 10 टाइम्स बोल दिया. मैग्निफिकेशन से क्या मिलता रहा, मैंने पहले बोला आपको, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है, ये इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वही देता रहा कि नहीं. मैग्निफिकेशन हमको क्या मिलता है, दैट हाउ मच इमेज इज बिगर और स्मॉलर इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो ये बोल ही दिया रहा 10 टाइम्स. m इक्वल टू 10 हम लिख सकता था डायरेक्ट, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बोल के इंफॉर्मेशन कैसा है 10, और ये माइनस कैसा है, क्योंकि ऑन द स्क्रीन बोला, ऑन द स्क्रीन मींस रियल, और रियल होने से इमेज इन्वर्टेड होगा, है कि नहीं, इसलिए माइनस 10 दे दिया मैंने. ठीक है, डायरेक्ट लिख सकता था आप लोग. ओके, सो m इक्वल टू v बाय u, m का जगह में मैंने माइनस 10 बैठा दिया था, जो निकला v बाय u, क्रॉस करके निकला v इक्वल टू माइनस 10 u. ओके, now we will use the Lenz formula. What was the Lenz formula? 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. See mathematics. 1 by how much is v? Kitna nikla tha dekhiye v? Kya nikla tha hum log ka? Minus 10 u minus 1 by u equal to 1 by f ka value kitna tha? 20. Is minus ko upar mein likh de raha hum log. Minus niche rakh ke kaam karna acha nahi lagta hai. 10 u 1 by u equal to 1 by 20. So what is the LCM of 10 u and u? 10 u और u का LCM कितना होगा? 10 1 जब 10 LCM क्या लेगा हम लोग? u ले लीजिए LCM, क्योंकि दोनों में u है. u क्या रह जाएगा? 10 u 1. तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 u ही होगा. 10 u 10 u इस 10 u को इसके नीचे इमेजिन कीजिए. 10 u by 10 u कितना होगा? 1. So here minus 1. u will get cancelled, it will be 10 to 1 by 20. ठीक है, so this will become minus 11 by 10 u equal to 1 by 20. So I'm having this part, what you have got? Minus 11 by 10 u 1 by 20.
So if you cross it, how much? 10u equal to minus 11 2 are minus 220. Clear? This implies. So u will be minus 220 by 10. So u ka value kitna nikla hoga? Minus 22. How much you have got the value of u? Minus 22. Clear? Something like the simple math, cross cut that and u into 1 10 u. In the no cross kiya, minus 220. How far must the object be placed from the lens? So we have got the object distance. How much? 22. 22 what? Centimeter. Yes. So object ko kitna duri mein rakha hai? Object ko 22 centimeter mein dur mein rakha hai. Okay. So we will write object is placed at a distance of how much? 22 centimeter from lens. Clear? अब आपको दिखा था, हम लोग ड्रॉ करके चलिए कि सच्ची का ये राइट है हम लोग का, जो हम लोगों ने इतना डेढ़ से किया. नोट डायग्राम से देखता चलिए, चेक करके वेदर वी आर करेक्ट और ब्लाइंडली वी आर डूइंग. ओ एफ टू एफ एफ एंड ये टू एफ. ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा बाद में, दिखदारी होगा हम लोग. छोटा कर दे रहा है एफ टू एफ ओ एफ एंड टू एफ. सो फोकल लेंथ हमको पता है कितना, 20. ये 20 होने से देखिए, अब 20 है तो ये कितना होगा यहां से, यहां 40 हो गया. बस अब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में निकल, 22. 22 का मतलब क्या, 20 से ज्यादा 40 से कम. तो बिटवीन एफ एंड टू एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ होने से हमको इमेज क्या, क्या इंफॉर्मेशन पता है इमेज का, ऐसा होता रहा, ऐसा ऐसा होता रहा कि नहीं, बोले यस. बहुत बड़ा होता है ना, रियल होता रहा, इन्वर्टेड होता रहा, मैग्निफाइड. तो वही तो मिला, 10 टाइम्स मैग्निफाइड. बड़ा देखिए, बड़ा भी होता है, स्क्रीन में आता है मीन्स रियल इमेज ना, और इन्वर्टेड तो रियल होने से इन्वर्टेड होगा. तो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड, यस आवर आंसर इज करेक्ट. क्योंकि यहां में रखने से इतना बड़ा होता है इमेज ना, बिटवीन एफ एंड टू एफ में रखने से बहुत बड़ा होता है इमेज, मैग्निफाइड करेक्ट है. स्क्रीन में आता है मीन्स रियल इमेज. सो आवर न्यूमेरिकल इज करेक्ट. थैंक यू. So we have done a lot of question on convex lens. Now let us do one numerical on concave lens. Okay. So read the question first. A concave lens has a focal length of 20 centimeters. हम लोगों को sure हो गया कि ये lens concave है. So why not to draw the lens? Okay. एक lens बना सकता है हम लोग. Concave lens is much more easier than convex because इसका image formation का nature एक ही होता है, आया ना? इसकी image formation का nature एक ही होता है, so ज़्यादा tension का बात नहीं है. तो concave lens का focal length 20 centimeter, तो focal length 20 और concave lens का focal length negative होता है, आप लोग दे दीजिए बिंदास. At what distance from the lens a 5 centimeter tall object be placed? 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मींस ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, ये प्लस होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट वी ऑलवेज कीप अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, फिर से पढ़ते हैं. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो ये 15 सेंटीमीटर जो है आपका इमेज डिस्टेंस है, और कॉन्केव लेंस में आपको पता है कि इमेज, अगर ऑब्जेक्ट यहां में रखा, आपको पता है जो इमेज फोकस से पार होता रहेगा कि नहीं, इमेज आपका इधर में होता रहा ना, ये देखिए इमेज उसी साइड में होता रहा, देखिए. सो इंसिडेंट रे राइट हैंड साइड में जा रहा है और आप इमेज के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ये देखिए इधर आ रहा ऑप्टिकल सेंटर से.
डायरेक्शन नेगेटिव ऑपोजिट है ना, तो इमेज डिस्टेंस कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज हमेशा इधर ही होगा, है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज हो जाता है, देखिए हाँ कि नहीं। सो इंसिडेंट रे इज गोइंग टू आवर राइट हैंड साइड एंड फॉर इमेज डिस्टेंस यू आर कमिंग टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, सो ऑपोजिट डायरेक्शन, सो नेगेटिव साइन। क्लियर? सो रीड द क्वेश्चन वंस कि इमेज डिस्टेंस ठीक है हम लोग का, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितना दूरी में एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को रखा है, बोला 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट का बारे में दे दिया लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन का बारे में नहीं दिया, कितना दूर में रखा है बोला, सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वो इमेज लेंस से कितना दूरी में है बोला 15 सेंटीमीटर में, वो इमेज फॉर्म हो गया लेंस से, सो वी इज -15, एम आई क्लियर, कॉनकेव है तो माइनस होना ही, बस इमेज में भी, सो यू हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, श्योर। सो लेंस फॉर्मूला, मिरर लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, 1 by minus 15 minus 1 by u equal to 1 by minus 20, ठीक है, तो मैथ्स करता चले, प्योर मैथ्स, ये minus 1 by u को उधर भेज दीजिए, इसको प्लस में कर दीजिए, इजी होगा आप लोग, प्लस 1 by u, चला गया, इधर में पहले से कौन बैठा है, ये 1 by 15, ये minus 2 ऊपर में ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, this minus if it come in this direction left hand side it will become plus 1 by 20, ठीक है, मैंने u निकाला ना तो उसको एक सेपरेट रख दिया, राइट हैंड साइड ले गया उसको, अब जाके LCM लेना है आपको, LCM होगा आपका 60, 15 4 जा, so minus 4 plus 3 1 by u minus 15 4 जा, so LCM minus 15 4 जा 60, so minus 4 plus 3 1 by u, तो ये कितना बन जाएगा, minus 1 by 60 is equal to 1 by u, so reciprocal करने से कितना बन जाएगा, therefore u will become minus 60, ठीक है, so ये minus आने के बाद आप chain का सांस लीजिए, क्योंकि object distance जो है उसमें minus आना है, क्योंकि देखिए object अगर ये है, देखिए अगर object ये है, मैंने बार बार आप लोगों को बोला object से जो ray है principal axis, incident ray जो principal axis के साथ parallel है वो राइट हैंड साइड जा रहा है, एंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से आएगा किधर आ रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, लेफ्ट हैंड साइड, और इंसिडेंट रे जा रहा है राइट हैंड साइड, तो बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव आना है और नेगेटिव आया, सो आवर आंसर इज करेक्ट, सिर्फ आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए दैट ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो ऑब्जेक्ट जो लेंस से कितना दूरी में 60 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी और कुछ निकालने बोला उन्होंने, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज के लिए चलिए वो फॉर्मूला लगा देता है, क्या फॉर्मूला था हम लोग का, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू, देखिए इमेज का जो साइज है हम लोग को भी पता है, आपको भी पता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होने वाला है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में, इन कॉनकेव लेंस साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होता है, क्योंकि हम लोग रे डायग्राम में ये सीख चुके हैं, सो प्लस आने वाला है, प्लस भी आने वाला है और ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट से ये छोटा होगा गारंटी, तो देखिए एच आई, एच आई निकालना है हमको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 है, वी का वैल्यू है -15, यू का वैल्यू है -60, ये दोनों कैंसिल, 15 1 जा 15 4 जा, सो हाउ मच वी हैव गॉट, इफ वी हैव कैंसिलेशन के बाद कितना निकला, एच आई बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 4, क्रॉस करने से कितना होगा, 4 एच आई इज इक्वल टू 5 1 जा 5, सो एच आई हैज बिकम 5 बाय 4, सो इफ यू डिवाइड इट इट विल बिकम 1.25 सेंटीमीटर, सो देखिए प्लस साइन, मैंने पहले बोला प्लस साइन आने वाला है, बिकॉज प्लस साइन मीन्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड थ्रू द रे डायग्राम वी कैन सी द इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो प्लस तो आना ही था, इमेज का हाइट कितना निकला 1.25, व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्ट हाइट 5, छोटा हुआ कि नहीं, ये 5 था, ये 1.25,
सो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये बार बार हम आपको बोला कॉनकेव लेंस का नेचर एक ही है कि इमेज छोटा स्मॉलर इरेक्ट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और वर्चुअल वर्चुअल क्लियर, ये डॉटेड लाइन से पता चल रहा है. सो वी हैव गॉट एग्जैक्टली सेम दैट इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बिकॉज इमेज इज 1.25 ऑब्जेक्ट इज 5 इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देखिए वैल्यू में देखिए छोटा है प्लस दैट इज इरेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ना इरेक्ट भी हो गया स्मॉलर हो गया और वर्चुअल है. वर्चुअल है कैसे पता चला देखिए यू से आपका यू से वी से पता चलता है भी माइनस 15 नो नोवा ने पहले बोला भी माइनस 15 में ये इंसिडेंट रे का साथ नहीं चल रहा इधर कहीं में है इधर में और इधर में होने से वो वर्चुअली होता है ना मैं पप्लो प्ले डायग्राम पे देगा. सो क्लियर सो होप अभी से आप लोग जब भी न्यूमेरिकल करेगा सकने से छोटा राग डायग्राम बना लीजिए ठीक है छोटा राग डायग्राम करके साइन को करेक्टली बैठाइए पुट द साइन करेक्टली डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेक्टली श्योरली नो एरर यू विल गेट 0% मिस्टेक क्लियर मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा और थोड़ा स्टैंडर्ड मैथ कीजिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग होगा. थैंक यू आई होप यू हैव एंजॉयड.